ब्रेकिंग सिस्टम एक नंबर का इसका भी, तो सिंगल ईवीएस वाला है वो थोड़ा 3-4 हज़ार रुपये सस्ता पड़ जाता है। वो कहते हैं कि ऊपर के बैठ के पूरा नजारा दिख रहा है, पूरा नजारा जैसे आपके बजट के हिसाब से अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास पल्सर N160 न्यूली लॉन्च्ड और साथ में है इसका ओनर मनीष। मनीष भाई वेलकम। हेलो गाइस। सो मनीष यार, अपना सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपनी जनता के साथ कि भाई N160 कैसी है, और ये भी शेयर करेंगे कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इसके साथ। जी जी बिल्कुल। और अपनी जर्नी शेयर करना है कि भाई कैसे तुमने सोचा कि अब N160 ली जाए और मार्केट में और कौन कौन सी बाइक एक्सप्लोर करी। सबसे पहले ये बताओ मनीष यार, ये ऑन रोड कितने की पड़ी तुमको? भैया ये ऑन रोड इसके दो सेगमेंट आते हैं, एक डबल ईवीएस वाला और एक सिंगल ईवीएस वाला। अच्छा। जो डबल ईवीएस वाला है उससे 3-5 हज़ार के समथिंग डिफरेंस है, और जो सिंगल ईवीएस वाला है वो थोड़ा 3-4 हज़ार रुपये सस्ता पड़ जाता है। इसका ऑन रोड भैया प्राइस 1,60,000 पड़ जाता है। तुम्हारा क्या है, सिंगल ईवीएस डबल ईवीएस? ये मेरा डबल ईवीएस है। डबल ईवीएस है, 160 का है। जी भैया। तो ये मान लेंगे सिंगल ईवीएस 155 के आसपास का होगा। जी भैया, ऐसे ही आ जाएगा। और आप वहाँ पे जाके कंप्रोमाइज, हाँ वो तो जितना हो जाए वो तो अलग बात है। इसके अलावा ये बताओ यार, मार्केट में तुमने कौन कौन सी बाइक एक्सप्लोर करी यह, और एंड में इसको लेने का कैसे डिसीजन लिया? मैं प्लानिंग तो बहुत मतलब 5-6 मंथ से कर रहा था। मुझे, मैं भैया इसको तो कभी सोचा नहीं था कि मैं पल्सर लूँगा। मैं अपाची RTR 4B वाले जो मॉडल हैं उस पर गया था। मैं लास्ट अपने बर्थडे दिन बुक गया था उसको लेने भी, तो यहाँ पे क्या था कि अपाची में कुछ चिप के लेको इश्यूज चल रही थी, तो वो चीज़ नहीं मिल पाया कि मतलब डिले चल रहा था, 1-2 महीने ऐसे ऐसे करके चल रहे थे। फिर ये मैं इसके भी बारे में थोड़ा डिटेल निकाला, बहुत दिन से ये लॉन्चिंग पे लगी थी, फिर मैं सोचा कि मुझे अब लेंगे तो यही लेंगे, क्योंकि जो थोड़ा मुझे इंतजार नहीं हुआ गाड़ियों का। मतलब बेसिकली तुम्हारा 160cc में ही से तुम्हारा आइडिया था। जी भैया। अपाचे में चिप शॉर्टेज की वजह से तुम ले नहीं पाए अपाचे, फिर जब ये आया तो इसके साइड ज्यादा मेरा मन लगा, इसके साइड ज्यादा मन लगा, इसके बारे में डिटेल निकाला। अपाची के कंपेयर में बस अपाची से अच्छी है, बस इसमें क्या है कि अपाची में आपके मोड्स दे देते हैं, इसमें मोड्स नहीं देते हैं, उसमें ब्लूटूथ दे देता है, इसमें नहीं देता, और हर चीज इसमें जैसे फॉग लाइट हम लोग को मिलता है, और रेसिंग में भी भैया ब्रेकिंग सिस्टम एक नंबर का इसका भैया। ब्रेकिंग यार डुअल एबीएस है तो यार ब्रेकिंग तो, ये 160cc में किसी के पास किसी भी बाइक में डुअल चैनल ईवीएस नहीं है, ये नहीं देता है। तो ये चीज़ एक कमाल की है जो कि बजाज ने करी है, एंड ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ भैया, जैसे आपके बजट के हिसाब से अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती है। हाँ, अच्छी खासी गाड़ी है। अगर आपको इस हिसाब से लेना तो आप इसके साइड जा सकते हैं। इसके अलावा बताओ यार, तुम्हारी अभी कितने किलोमीटर चल चुकी है? अभी ये अप्रोक्स 500 प्लस ही जा रहा है। 500 प्लस जा रहा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी फर्स्ट सर्विस हो चुकी होगी। जी जी भैया, मैं फर्स्ट सर्विस 450 पे करा लिया था इसे। एक्चुअली मेरे पास दो बाइकें हैं, तो मैं कभी इससे कभी उससे मेरा चलता रहता है। अच्छा, ऑडियो पर 613 किलोमीटर है। जी सही है। तो पहली सर्विस का कॉस्ट कितना आया भैया? पहली कॉस्ट तो जैसे लेबर चार्ज हमारा फर्स्ट सर्विस सब कुछ मिला के, हाँ लेबर तो फ्री होता है, फ्री रहता। फर्स्ट सर्विस का चार्ज भी 900 रुपये बैठा था। 900 रुपये टोटल? जी भैया। उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ होगा? जी भैया, इंजन ऑयल, फिल्टर ऑयल और चेन क्लीनिंग वाला, यही सब चलता रहता है वो लोग का। ठीक है ठीक है। तो अभी तक ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस है गाड़ी की, मतलब जब निकाली और अभी 1 महीना हो गया, उसमें क्या क्या तुम्हें फील हुआ? भैया फर्स्ट सर्विस के बाद मुझे माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिला, जैसे जब सर्विस नहीं हुआ था तो 35 से 40 के बीच में रहता था, अब क्या है कि हाईवे पे 42-43 कवर कर मिल जा रहा है। जी भैया। एवरेज स्पीड कितनी रखते हो तुम उसमें? भैया वही 80-50-70 के बीच में, 50-80 के बीच में तुम्हें 42 के आसपास माइलेज मिल जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आगे और इम्प्रूव हो सकता है। आगे होगा, अभी कम चलती भी है, अभी दो मंथ हो गया, अभी 500-600 किलोमीटर चला है, कम चली है। मनीष यार, अब इसकी सीट कंफर्ट के बारे में बताओ। भैया सीट कंफर्ट काफी अच्छा है। पहले तो राइडर का बताओ, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो काफी अच्छा है, और पीछे वालों को हल्का सी दिक्कत होती है क्योंकि ऊंचा है, थोड़ा ऊंचा है। जी भैया। बाकी मतलब गड्ढों में कैसा लगता है भैया? पूरा एकदम इसका सॉकर वगैरह अच्छा है, फील नहीं होता है, मतलब छोटे मोटे गड्ढे फील नहीं होते, और पीछे बैठने वालों को भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि ऊपर के बैठ के पूरा नजारा दिख रहा है, पूरा नजारा। जी भैया। नजारा पूरा दिख रहा है, लेकिन कंफर्ट भी मतलब भर का है ना? जी, हम लोग के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए, मम्मी उम्मी के लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकता है, थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकता है, ये बात तो है। इसके अलावा बताओ यार कि रात में इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प का थ्रो कैसा है? रात में इसका जो लाइट है एक नंबर का भैया, पूरा सामने का दिख जाता है आपको, पूरा सामने का एकदम अच्छा। जी भैया, लो पे भी और हाई पे भी,
हाई का थोड़ा जैसे लगता है कि थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, जिस हिसाब से लो का है बस हाई में जैसे लगता है कि थोड़ा सा ही कवर करता है, पर फिर भी ठीक ही है। लेकिन ओवरऑल तुम्हारा काम चल जाता है? काम चल जाता है, काम से भी ज्यादा अच्छा है। काम से भी ज्यादा अच्छा है, मतलब कोई आफ्टर मार्केटिंग लाइटिंग वाइटिंग का काम कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो एक बार हम कभी नाइट टेस्टिंग भी करके देखेंगे वीडियो की। और इसकी बैकलाइट का बताओ कैसा एक्सपीरियंस है? बैकलाइट भी अच्छा है, बैकलाइट का तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे आगे का ही रहता है। नहीं फिर भी तुम्हें लुक कैसा लगा? लेकिन लुक चेंज किया तो अच्छा लग रहा है। जैसे अभी रोड पे लेके निकली है, जिसको नहीं पता रहता तो वो जरूर पूछता है कि कौन सी बाइक है, सबका रिएक्शन भी तगड़ा ही रहता है। सही है। और मुझे लगता है जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लोग अपाचे की साइड कम जा रहे हैं। ये तो है यार, देखो इसका मेन जो पॉइंट है वो यही है कि अपना डुअल चैनल डबल डिस्क एबीएस, तो ये एक बहुत अच्छा, जैसे कि हम देख सकते हैं डुअल चैनल एबीएस, ये एक मतलब 160 सीसी में है ही नहीं है, 160 क्या 200 सीसी में भी जल्दी नहीं मिलता है, तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मनीष यार इसके हमने अच्छे पॉइंट्स कवर किए, डुअल चैनल एबीएस है, ग्रिप बहुत अच्छी है, सब कुछ है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं क्या? भैया अभी तो मुझे नेगेटिव कुछ ऐसा दिखा नहीं है, दो चीज़ें दिखी हैं वो कंपनी ने सॉल्व कर दिया है। एक भैया स्टार्टिंग में लेके इसको जिस दिन मैं डिलीवरी लेकर बाहर निकला उसी दिन से मुझे ऐसे हीटिंग इसका इतना लगा कि पैरों तक फील हो रहा था, ये चीज़ था। और प्लस क्या था कि अभी 10-5 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो इंजन ऑयल लाइट होता है वो शो होने लगता था। वो कौन सी लाइट है भैया? वो लाइट है वो एक बार यूएस को दिखा देते हैं। जी जी भैया ये वाली लाइट जी भैया, ये लाइट जलने लगती थी। तो मैंने कंपनी में बोला कि अपनी प्रॉब्लम बताई, तो कंपनी ने बोला कि अभी आपका इंजन नया है, सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे 1000 या 500 प्लस हो जाता है तो आपका इंजन हीटिंग धीरे धीरे जैसे चलता रहेगा कम हो जाएगा। वो चीज़ तो भैया अभी जैसे इंजन हीटिंग हल्का फुल्का है, जो इंजन चेक ऑयल लाइट था वो बंद हो चुका है अब। अच्छा, कंपनी में मैंने दिखाया तो वो चीज़ अब ठीक हो चुका है। हीटिंग का तो इशू मैं समझता हूँ, क्योंकि देखो नई बाइक किसी भी कंपनी की हो जी जी थोड़ा टाइम लेती है वो, क्योंकि उसका इशू नहीं है बस ये इंजन जो इंजन चेक लाइट, लेकिन एक बड़ी चीज है जी भैया, अभी के लिए सॉर्टेड है जी भैया, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन चक्कर तो काटने पड़े कई। हाँ भैया, नई बाइक को लेके यार बहुत मतलब इंसान डरता है, क्योंकि यार इतनी मुश्किल से मिलती है, उसके बाद फिर कोई ना कोई इशू आ जाए तो बहुत ख़राब लगता है। तो हमने देखा है कि यार N160 और जितनी भी अब पल्सर्स आ रही हैं उसमें हमको USB चार्जिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है और काफ़ी बाइक्स में मिल रहा है, तो आज हम देखते हैं कि भाई कितना प्रैक्टिकल है और कितना अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मनीष यार दिखाओ। जी जी भैया बिल्कुल। इसके लिए हमारे लिए बाइक स्टार्ट होनी चाहिए ना, सबसे पहली कंडीशन इंजन स्टार्ट रहना चाहिए, इंजन स्टार्ट रहना चाहिए। न्यूट्रल है? जी जी न्यूट्रल है। चलो साइड स्टैंड का भी लोगो है। ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई, तो हाँ ये चीज़ प्रैक्टिकल है। अब अगर हम ऑफ करेंगे तो फ़ोन को ब्राइटनेस बढ़ाना पूरी, यहाँ पे चार्जिंग सिंबल दिखा रहा है अपना, आई एम श्योर कि अब चार्जिंग हट जाएगी। बंद हो गई। सो चार्जिंग वाला पॉइंट तो चलो सही है, एंड मुझे लगता है कि ये ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह भी है कि होपफुली क्लोज होने पर हमेशा के लिए इसमें पानी कभी ना जाए, क्योंकि पानी जाने से प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखना है यार इसका, ये बहुत कीमती चीज़ है। एक मोबाइल होल्डर लगा लो फिर कहीं भी निकल जाओ। हाँ लगवाना है ना। तो ये एक ओवरऑल यूज़र रिव्यू था हमारा, हमने डिस्कस किया बाइक के बारे में, हमने डिस्कस किया बाइक के माइलेज के बारे में, बाइक की सर्विस के बारे में, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है तो ओवरऑल ठीक है। चेकलाइट वाला इशू आया बट आई थिंक वो कंपनी रिजॉल्व करेगी, क्योंकि नई बाइक है तो। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपना ये 160 सीसी कैटेगरी में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल रहा है। सिंगल चैनल लेना चाहते हो वो ले सकते हो, लेकिन बेटर यही रहेगा, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 5000 जब इतना लगा ही रहे हो तो 5000 एक्स्ट्रा लगा के डुअल चैनल ABS भी ले ही लो, क्योंकि डुअल चैनल ABS एकदम परफेक्ट रहता है। मैंने 7 साल पहले सिंगल चैनल ABS की बाइक उठाई थी और मुझे आज तक फ़ायदा मिलता है इसका, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बच जाता हूँ, पीछे नहीं है उसमें, लेकिन इसमें तो आपको पीछे भी मिल रहा है, तो इससे अच्छा आपको कॉम्बो नहीं मिल सकता है। हैविंग सेट दैट, मनीष थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। एंड इसका सेकेंड पार्ट होगा हमारा, जिसमें मैं इसका राइड एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, सो उसको ज़रूर देखना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।